ये प्रॉन का साइज चेक करें हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं तुर्की के एक और शहर अंतालिया में। अंतालिया भी बहुत ही खूबसूरत शहर है तुर्की का और यहाँ पे खूबसूरत बीचेस है, बहुत ज़बरदस्त सीनरीज है। तो यहाँ पे भी हम ज़रा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, मज़े के खाने इंजॉय करेंगे और देखेंगे कि अंतालिया में क्या होता है और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे। तो फिर चलें। ओके भाई, होटल आ गया है हमारा। ये हमारा होटल है भाई, अभी 2 बजे चेक इन टाइम है एक्चुअली, तो हम ज़रा एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई। होटल में चेक इन टाइम है 2 बजे और हम सुबह के निकले हुए हैं, नाश्ता भी हमने ऐसा किया नहीं है कोई, तो अभी ब्रंच का टाइम हो गया, अभी हम ब्रंच कर लेंगे होटल से। यहाँ साइड पे एक मेन रोड है जहाँ पे कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं, बर्गर्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कैफेज़ बने हुए हैं, तो ज़रा कुछ खाना वाना खा लें। काफ़ी अच्छा कैफे का सेटअप है भाई यहाँ पे और ऊपर ये पिक्चर्स भी लगी हुई हैं खानों की, पिज़्ज़ा है यहाँ पे, सीख कबाब वगैरह हैं और स्टेक्स वगैरह भी हैं। वेरी नाइस। और एक एक कर लेते हैं, वन डिश पिज़्ज़ा है ये, कुछ स्पेशल ऊँचे कुछ स्पेशल, नहीं नहीं ये 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 कह रहे हैं ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा तवुक चिकन है, भाई यहाँ पे लैंग्वेज का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इशू है। हम ही लोग पाकिस्तान के अंदर इशू रहते हैं कि यार इंग्लिश और उर्दू और ये और वो। चीफ शेफ, शेफ मास्टर शेफ, स्मॉल शेफ, स्मॉल शेफ, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान, यू स्पीक अरबिश? नो नो नो, स्पीक इंग्लिश। ये पिज्जा भी भाई इन्होंने जो है ना वो ट्रेडिशनल स्टाइल में जिस तरह स्टोन बेक्ड होता है तंदूरी के अंदर उसी तरह से बनाया है। नान पिज्जा जो हमारे यहाँ मिलता है, पिज्जा नान, चिकन है इसके ऊपर भी, टोमेटो है सिंपल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चेक करते हैं भाई। ब्रेड का टेक्सचर जो है काफ़ी क्रिस्पी है और चिकन भी अच्छी मैरिनेट हुई हुई है। भूख लगी हो तो गरम गरम जो भी चीज़ आए वो आपको अच्छी ही लगती है। ये वाला पिज़्ज़ा देख लेते हैं भाई। शेप का फ़र्क है और बाकी टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो ये वाली जो शेप थी रेक्टेंगुलर वाली वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी था। ये कोफ्ते कच्चे के कबाब लग रहे हैं, रैम के मीट के कबाब हैं, खालिस गोश्त के बने हुए हैं, थोड़ी सी इसके अंदर स्पाइसेस हैं। तो पिक्चर उन्होंने दिखाई थी कबाब की, उसके अंदर लैम चॉप्स वगैरह भी थी, मशरूम वगैरह भी थे, लेकिन जो सर्विंग आई है वो उस तरह की नहीं है। लेकिन खैर कबाब टेस्ट में अच्छे हैं और ये पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन टेस्ट में सिमिलर है। गरम गरम फ्रेश खाना आया है, भूख लग रही थी, बड़ा मज़ा आया, वेरी नाइस। ओके ये है भाई हमारा रूम। ब्रंच करने के बाद हमने होटल में थोड़ा सा रेस्ट किया अपने और अब हम आ गए हैं ज़रा इस पूल साइड के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत होटल है ये, एक टॉप के ऊपर बना हुआ है चट्टान के ऊपर और नीचे यहाँ से स्टेयर्स हैं जहाँ से समंदर के ऊपर जा सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं और अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन ये जो सारा नज़ारा है ये अगर मैं आपको ड्रोन शॉट में ना दिखाऊँ तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा। मगरिब हो चुकी है भाई और अब हम निकले हैं ज़रा सड़कों पे गश्त करने के लिए।
क्योंकि किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पैदल चलें, पैदल घूमें। सुबह जब हम आए थे तो इसी रोड पे हमने खाना खाया था और अब और ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है। यहाँ पे है भाई ये एक स्कल स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट, तो स्ट्रीट फूड है तो भाई ज़रा देखते हैं कि यहाँ क्या है। What do you recommend? What should be ordered? Our name is Skull, so I recommend Skull Burger. Skull but burger. Personally, my favorite is the Crazy Burger. Skull, Crazy, Umami. Umami. Check out the Jonathan's too. Yeah, there's hot dogs and we have the taco. Actually, हमने सर्च किया कि यहाँ पे क्या स्ट्रीट फूड अवेलेबल है, तो ये Skull स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट आया और हम यहाँ पे आए हैं। बर्गर्स जो है मेनली इनकी स्पेशलिटी है, चेक करते हैं कि कैसे हैं। Burgers in the making. It's our own production, and before heating them up, we put on some water spray, so it is softer. So buns के ऊपर ये थोड़ा सा water spray करते हैं ताकि buns जो हैं वो थोड़े से soft रहें। और वहाँ पे मुझे meat की patty भी नज़र आ रही है। Meat comes daily in the morning, so we prepare them in the morning just for the service. Everything is fresh. Look at this. ऐसी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे यार, बहुत ही जबरदस्त। डिश और स्कल, या चीज के साथ जो है वो स्कल बर्गर है। उमामी, दिस इज उमामी, दिस विल बी क्रेजी, दिस विल बी क्रेजी। May I ask, why did you name this restaurant Skull Restaurant? Skull Restaurant, why did we name it? I think it has a deep meaning, like everyone has a skull. Yeah. Okay. Everyone has a skull head. Yeah. That's it. I mean, that's it. Yeah, I mean like we I really like the graffiti and artwork, yeah. And it's really hard rock style. Yeah, it's an artist from Ankara. He came from Ankara to draw this. He did a good job. It's a unique thing. The vibe is really fantastic. Thank you so much. ओके भाई, काफ़ी सारे बर्गर हमने ऑर्डर किए हैं। दो चीज़ें जो मैं ट्राई करूँगा ना वो ये हैं, एक तो ये उमामी बर्गर और एक ये जॉनसन्स है। बेसिकली ये इसमें पूरा सॉसेज है और इन्होंने कहा है कि ये रियल सॉसेज है, ये जो मार्केट के अंदर जो फैब्रिकेटेड सॉसेज होता है वो नहीं है। लेकिन खैर, मैं अपना ये बर्गर ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो स्मोकी फ्लेवर आया है ना मीट का, बहुत ही ज़बरदस्त पैटी है। उसके ऊपर चीज़, एग और इनके सॉसेज। 45 लीरे का ये बर्गर है, वाइल्ड नाइट। और ये है जॉनसन्स, उसके अंदर भी ये पूरा एक हॉट डॉग है, साथ में इनके जो है वो सॉसेज हैं, थोड़ा सा सैलेड इन्होंने डाला हुआ है। मस्टर्ड काफ़ी सारा इन्होंने इसके ऊपर डाला है, खाते ही फ़ौरन जो है ना वो मस्टर्ड का टेस्ट आता है। ब्रेड इसके ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी है, अंदर से थोड़ी सॉफ्ट है। चीज़ भी है इसके अंदर, और ये इन्होंने चिकन स्ट्रिप्स भी दी थी, इसके साथ भी ये दो सॉसेज दिए हैं। ये तो बिल्कुल वैसी हैं जैसी अपने कराची में मिलती हैं चिकन स्ट्रिप्स। ये सारी चीज़ें अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन ये जो बर्गर है ना, इसमें दिल जीत लिया। वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप अंतालिया में हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे स्कल स्ट्रीट फूड, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं और ये बर्गर ट्राई करना इनका मस्त है। बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन, आउट क्लास, सो जूसी।
भाई बर्गर्स खाने के बाद अब हम आगे चल पड़े हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक मॉल है, उसको देखेंगे, उसके बाद फिर एक और रेस्टोरेंट है जहाँ पे जाके हमें कुछ और भी चखना है। टेरा सिटी मॉल, ये काफ़ी बड़ा मॉल है भाई अंतालिया का। एक जो सबसे अच्छी बात मुझको यहाँ पे नज़र आई है ना, वो ये कि हर जगह आपको तुर्की का फ्लैग नज़र आएगा, चाहे आप अंतालिया में हो या इस्तांबुल में हो। सेकंड चीज़ ये कि ये एक जनरल मॉल है, लेकिन इस मॉल के बीच में भी इन्होंने ब्रांड्स की प्रमोशन के बजाय अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं इनके, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं उनकी कोट्स के साथ। और यही चीज़ है जो आपके अंदर जब जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करती है। जाबिर भाई मोबाइल ले लिया आपने बड़ी मजबूरी में। भाई ये जो हमारे दोस्त हैं ना, इनका मोबाइल खो गया था तकसीम स्क्वायर के ऊपर, तो यहाँ बेसिकली हम मोबाइल लेने के लिए आए थे। और अब हम जा रहे हैं अयूर मायूसी, एक रेस्टोरेंट है सी फूड रेस्टोरेंट, वहाँ जा रहे हैं। This is old city, right? Old town. This is old town of Antalya. Old town? Arkataras. Inside this East boundary. Aina. This okay. Hadrian gate. वो जो gate नज़र आ रहा है भाई, उसके पीछे old town है। देख रहे हो दरख्त, देख रहे हो? बड़ी happening सी जगह लग रही है। हाँ, ये रौनक वाली जगह लग रही है ना? Turn left onto Sakarya Sakak. ऐसे चले जाते हैं ना हम। अच्छा भाई, ये हमने गूगल पे सर्च किया था आयूर रेस्टोरेंट के, जो ज़रा लोकल टाइप का एनवायरनमेंट हो, आउटडोर सीटिंग हो, तो हमें पता नहीं था कि हम यहाँ पे आएंगे तो ये पूरी एक स्ट्रीट होगी, बहुत ही अलग माहौल है यहाँ पे। और जो आए हैं हम ओल्ड सिटी एरिया में, अंदर अंदर गलियों में ट्रैवल करते हुए, तो बड़ा अच्छा लगा और अनएक्सपेक्टेड था। ये खाना भी होपफुली इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि काफ़ी रौनक है इस पूरी गली के अंदर, ज़बरदस्त सीन हो गया है। आयार बेहानसी, ये रेस्टोरेंट था जिसको मैंने सर्च किया था गूगल पे, और आप ये देखें कि सी फूड की काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे नज़र आ रही है हमें। ऑक्टोपस भी है, फ्रेश फिश, लॉबस्टर भी वहाँ पे रखा हुआ है, और श्रिम्प्स है, किंग प्रॉन, टाइगर प्रॉन्स। वेलकम, नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच। हेलो फॉर पाकिस्तान, आवर रेस्टोरेंट इज द बेस्ट फिश रेस्टोरेंट इन अंतालिया। या दिस इज व्हाट वी सर्च ऑन द इंटरनेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड एवरी डे वी हैव फ्रेश फिश, यू कैन सी व्हाट वी हैव। द ग्रुपर इज द मोस्ट फेमस फिश इन रेस्टोरेंट, यू कैन सी दिस इज सो फ्रेश। फ्रेश 3 आवर्स बिफोर, स्टिल लाइव, स्टिल इन द सी, 70-80 meters deep fish, you see. Wow. Octopus from Antalya, red mallets from Antalya, calamar from Antalya, sea bream, sea bass natural, and the prawn, you see. This is king prawns. Exactly. 450 lira per kg. Per kg. This is the king of the Mediterranean. Grouper. Grouper is the best fish in Antalya. Okay. Red snapper and prawn and the grouper. If Pakistan people come to Antalya, try our restaurant and try that fish. Yeah, we will definitely try. Thank you. So what is the price of this platter? Depends of the size, you know. Okay. You choose your platter. Okay. You choose and we check the weight and then we can tell the price first. Okay. This is called appetizers, like as a meze. These are appetizers. Appetizers. With garlic, feta cheese, capia pepper, walnut and spicy, dry beans, lettuce with onion, hummus, isinet cheese. A lot of variety. भाई बहुत ही ज़बरदस्त वाइब है इस पूरी स्ट्रीट की। और हमने खाना अपना ऑर्डर कर दिया है, हमने ऑर्डर किया है 1 kg ग्रूपर फिश और 1/2 kg किंग प्रॉन्स। ग्रूपर फिश हमने रिकमेंड की थी रेस्टोरेंट ओनर ने, बहुत ही मिलनसार टाइप के आदमी हैं वो,
और खाना हमारा तैयार हो रहा है। किचन में हम जा नहीं सकते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वो इतना सजा हुआ है सब कुछ, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक है, पार्टी हो रही है। Very nice, very nice, awesome। काफ़ी सारे appetizers का option है यहाँ पे, हमने देखा किचन के अंदर, और कुछ appetizers, ये salad आया है हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त। कई लोगों के खाने में जो है ना salad, olive oil ये must होता है क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये try करें क्या है? ये appetizer है लेकिन हमारी आलू की तरकारी, जो आलू की भुजिया होती है। नाइस पोटैटो लग रहा है ये, अच्छे मजेदार। ओके ये आ गया भाई हमारा खाना। ओह वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई खाना बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना, असल चीज़ यही होती है कि इट शुड लुक टेम्पटिंग एपेटाइजिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त फिश लग रही है ये, टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई फ़िश के साथ। सॉसेज इन्होंने दिए हैं लेकिन मैं अभी सॉसेज नहीं लगा रहा हूँ, सॉसेज की ज़रूरत नहीं। बहुत ही मज़ेदार फिश है यार, इंतहाई फिश, बहुत आला। असल जो फिश का टेस्ट आता है ना वो आता है इसी में है कि आप उसको ग्रिल करें, सॉल्ट डालें और लेमन डालें और फिश का जो एक्चुअल टेस्ट है वो एंजॉय करें, और एक्चुअल जो टेस्ट है ना वो फिश का वो इसके अंदर आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार। ये प्रॉन का साइज चेक करें आप, ओहो ये जो इन्होंने सॉस दिया है ना इसके साथ बहुत ही उम्दा टेस्ट, मछली का टेस्ट तो है ही अपने जगह, लेकिन प्रॉन्स मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और ये किंग प्रॉन्स हाफ केजी में 5 to 6 प्रॉन्स आए, ये भी ग्रिल्ड है, हल्का सा इन्होंने इसके ऊपर मसाला लगाया हुआ है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और बहुत ही टेस्टी है। डिफरेंट तरह के सॉसेस दिए हैं इन्होंने और हर एक सॉस के साथ खाने के साथ जो है ना वो फिश का टेस्ट इन्हांस हो जाता है। जितनी अच्छी इस जगह की लोकेशन है, जितनी अच्छी इन्होंने इस जगह को डेकोरेट किया हुआ है, सजाया हुआ है, उतना ही अच्छा खाने का टेस्ट भी है, और बहुत ही शानदार सी फूड, बहुत ही आला ज़बरदस्त। और खाने के बाद इन्होंने हमें सर्व किया है ये फ्रूट प्लेटर और ये ताहिनी, ताहिनी हलवा है ये, बेसिकली गरम गरम बना हुआ है और मिट्टी का आई थिंक ये बर्तन है जिसके अंदर इन्होंने इसको सर्व किया है। टेस्ट करते हैं कि कैसा है। बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, गरम गरम, सेसमी तिल है इसके अंदर, गुड़ है, सूजी भी है मेरे ख्याल में, हलवा जो होता है ना सूजी का भी, और बहुत ही मज़ेदार है, ज़बरदस्त। ओके भाई तो आज हमारा अंतालिया में पहला दिन था, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कल हम जाएंगे सिटी टूर पे और वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।